In this module, we will discuss high weight characters. There is a list of characters which can be considered as a high weight character. For example, complexity, constancy, consistency, characters which are not affected by ecological shift, apomorphy, not a specific adaptation. Now, we will discuss one by one first of all, we will discuss कॉम्प्लेक्सिटी ये ख्याल किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स हैं इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा होता है और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट्स के जेनिटेलिया की बात करें तो जेनिटेलिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक जो स्पीशीज़ है इंसेक्ट्स की उसका जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है और ये बहुत मुश्किल है कि एक स्पीशीज़ का जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरी स्पीशीज के जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करे तो इस कंप्लेक्सिटी की वजह से इसकी वेटेज ज़्यादा है और टेक्सोनोमिकली ये जो करैक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस वजह से जब हम इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर जो है इसको प्रेफर किया जाता है इसी तरीके से कॉन्स्टेंसी ये दूसरा एट्रीब्यूट है दूसरा हाइब्रिड वेट करेक्टर है ऐसे करेक्टर्स जो के कांस्टेंट रहते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है उनके मुकाबले में ऐसे करेक्टर जो वेरिएबल हैं अगर हम फेरिस के बारे में पढ़ें तो फेरिस ने 1969 के अंदर यह कहा कि ऐसे करैक्टर्स जो के लेस वेरिएबल हैं जिसके अंदर वेरिएशन कम होती है इनके अंदर क्योंकि फॉलोजेनेटिक कंटेंट ज्यादा है इस वजह से ऐसे करैक्टर्स हाई वेट करेक्टर्स कहलाते हैं इसी तरीके से ऐसे करेक्टर जो कि कंसिस्टेंटली किसी एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और किसी दूसरे ग्रुप के अंदर वो कंसिस्टेंटली एबसेंट हैं ऐसे करैक्टर हाई वेटेज करेक्टर कहलाते हैं अब हम ऐसे करैक्टर्स की बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते ऐसे करेक्टर्स जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते ऐसे करेक्टर भी हाई वेट करेक्टर कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये देखा गया है के बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो जब एक पार्टिकुलर हैबिटेट के अंदर मौजूद रहते हैं और वो एक पार्टिकुलर प्रे के ऊपर फॉर एग्जाम्पल फिश के ऊपर फीड करते हैं जब उनको किसी नए हैबिटेट के अंदर शिफ्ट किया जाता है वो नए हैबिटेट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अपनी फीडिंग हैबिट चेंज नहीं करते अगर पहले हैबिटेट के अंदर वो फिश कंज्यूम कर रहे थे तो अब भी वो फिश कंज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब है कि इकोलॉजी की वजह से उनके हैबिट के अंदर फिश ईटिंग का जो बिहेवियर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है इकोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से उनके अंदर चेंज नहीं आया ऐसे जो करेक्टर्स हैं ये हाई वेटेज करेक्टर्स कहलाते हैं